हेलो फ्रेंड्स, सीएम के सर इंस्पिरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक्चुअल में हम बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ों को केयर ही नहीं करते हैं, और कोई पूछ लेता है तो वहीं पर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। और वैसे दिमाग बहुत ही हरामखोर चीज़ होता भी है, क्योंकि आप इससे जितना पूछेंगे वही उतना बताएगा, उससे ज़्यादा ये कुछ बताता ही नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो दिमाग होता है वो उतना ही बताएगा जितना आप उससे पूछेंगे, उसके बाहर का कुछ नहीं। तो कभी ना कभी आपके माइंड में ये चीज़ आया होगा कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है क्या। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इससे जानने से पहले समझ लेते हैं कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। देखिए दोस्तों, विज्ञान वी प्लस ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान कह लें या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। लेकिन ये सीन कुछ ऐसा होता है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों, जो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है सिंटिया शब्द से। किससे? सिंटिया शब्द से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, यानी जो साइंस, और ये एक लैटिन लैंग्वेज है ना, ये एक लैटिन भाषा है साइंस, यानी विज्ञान एक लैटिन भाषा सिंटिया से, ठीक, सिंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका जो अर्थ होता है वो दोस्तों जानना, है ना, टू नो, विदित होना या जानना। तो क्या होता है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटना घट रही है, उसके बारे में विशिष्ट और व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित करना या जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया हमने क्या बोला कि इस प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध या व्यवस्थित तरीके से ज्ञान अर्जित करना या जानना, उसे कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हमने कहाँ से, लैटिन वर्ड सिंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ ही होता है जानना, है ना। चलिए दूसरा टॉपिक होता है कि विज्ञान के प्रकार। तो यहाँ टाइप्स ऑफ साइंस, विज्ञान के कितने प्रकार हैं आप सभी को पता है दोस्तों, कि जो इसके टाइप्स हैं यानी जो विज्ञान के प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, तीन। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए अब बायोलॉजी में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ओ फोल, क्या क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी, ये तीन इसके ब्रांचेस हैं। अब इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उन्हें नहीं देखना है, हमें केवल यहाँ पे विज्ञान के प्रकार को समझना है। लेकिन जो मेन मुद्दा है आज का वो है दोस्तों कि विज्ञान में भौतिक विज्ञान है क्या, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान अगर हम बात करें दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान में फिजिक्स वर्ड की, यानी जो फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ग्रीक भाषा, यानी ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा फ्यूजिया से हुई है, ठीक, किससे हुई है, फ्यूजिका से, ठीक, फ्यूजिका से इसकी उत्पत्ति हुई है, या इसको फ्यूजियस भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि जो ग्रीक भाषा फ्यूजिका, ग्रीक लैंग्वेज में फ्यूजिका शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, फिजिक्स की, और जिसका अर्थ होता है दोस्तों नेचर, यानी इसका अर्थ है प्रकृति। और आपको एक और फैक्ट बताएं, जो फिजिक्स को बहुत पहले यानी प्राचीन काल में भौतिक विज्ञान के नाम से नहीं, बल्कि इसे प्रकृति विज्ञान के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक लैंग्वेज फ्यूजिका, यानी ग्रीक भाषा में फ्यूजिका शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, ठीक ना, नेचर इसका अर्थ होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान भी पहले कहा जाता था।
ठीक। अब बात करें इसकी डिफिनेशन, परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया हमने क्या बोला, रिकॉल करिए एक बार कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी इस एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका उन घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, प्राकृतिक विज्ञान। चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं कि फिजिक्स डेली लाइफ एग्जांपल, यानी जो अगर दैनिक जीवन में भौतिकी या भौतिक विज्ञान के कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो आज हम अपने दैनिक जीवन में आसपास समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी इंसिडेंट हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो बात करें दोस्तों, तो हमारे इस दैनिक जीवन में जैसे यहाँ से वर्षा होना, अभी सीजन चल रही है, ठीक है ना, और साथ ही साथ यानी कह लें वर्षा होना या बादलों का बनना, बादल का बनना, ठीक। और उसके अलावा जैसे अभी बताया क्या है कि जैसे रेनबो इंद्रधनुष का बनना, साथ ही साथ क्या है, आंधी व तूफान यानी बिजली का चमकना, ठीक, बिजली का चमकना, ये सभी के सभी क्या हैं, इस एटमॉस्फेयर में होने वाली घटनाएं हैं, है ना, ये सभी के सभी इस, और बात ही इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी में कह लें या मैग्नेटिज्म कह लें, जैसे चुंबकत्व का गुण, तो इस प्रकृति में, और उसके बाद ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, तो इन सभी को अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये इस दैनिक जीवन में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। आई होप कि ये चीज़ें आसानी से आपके माइंड में स्टोर हो गई होंगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनकी भी तैयारी एक बेहतर तरीके से हो सके। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।